नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी फ्राइडे वंस अगेन। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड इंजॉइंग अ रियल हॉट समर डे टुडे। अज आप गलबात करनी है जी ब्रैक्सिट नू लैके। ब्रैक्सिट दे विच मेन गलबात आप हैगी है जी एज़ द टॉपिक कि जेडे साडे यूरोप तो भाई भैन आए हुए हैं, अगर उन्होंने अपने पेरेंट्स नू माता पिता नू अगर आप उन्होंने यूके विच बुलाना है या उन्होंने अपने सास सारे ने यूके दे विच बुलाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इस करके भी सब तो ज़्यादा जरूरी आज की डेट दे विच हैगा क्योंकि 31 दिसंबर नू ब्रैक्सिट हो रहा हैगा ते 31 दिसंबर नू सारे दे सारे रूल्स जिहड़े एग्जिस्टिंग रूल्स हैगे वो चेंज हो रहे हैं, नवे रूल आएंगे। बट अगर किसी ने अपने माता पिता नू जो यूरोप तो आए हुए हैं अगर पक्का कराना है, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि उस तो बाद जिहड़े रूल्स हैगे काफ़ी बदल जाएंगे, चेंजेस होणगियां, ता शायद वो उन्ना ईजी नहीं रहेगा जो आज दी डेट दे विच ईजी हैगा या ईजी आई विल से कि आज दी डेट दे विच पॉसिबल हैगा। ते दो रिक्वायरमेंट हैगियां जी जो मेन तौर पर इस एप्लीकेशन दे विच ऑब्जर्व किए जानी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैगी है जी डिपेंडेंसी एंड सैकेंड रिक्वायरमेंट इज़ अ रिलेशनशिप। डिपेंडेंसी की अगर आप गल करिए, डिपेंडेंसी दे विच तीन मेन टॉपिक हैगे हैं जो किसी भी फाइल बनाने लई किसी भी एप्लीकेशन दे विच होने बहुत जरूरी हैगे हैं, होने भी चाहिए ते वो दिखने भी चाहिए हैं, सो इट शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। पहला ये हैगा कि जी अगर फॉर एग्जाम्पल तुहाडे माता पिता इंडिया दे विच हैगे हैं, देयर इज़ नो बडी टू लुक आफ्टर दैम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैकेंड ये हैगा जी कि उन्हां दे कोल कोई भी कन्फर्म्ड सोर्स ऑफ इनकम नहीं हैगा, जिन्ना भी पैसा हैगा जो कन्फर्म हैगा वो सारा दा सारा तुसी भेज दिओ यूके तो ते तुहाडे कोल उसदी प्रॉपर रसीट्स हैगी। फॉर एग्जाम्पल तुसी मनीग्राम तो पैसे भेज दिओ, मनीग्राम दे स्लिप होने, या तुसी वेस्टर्न यूनियन तो पैसे भेज दिओ, या तुसी बैंक राहीं पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो तुहाडे कोल वो प्रूफ होना बहुत जरूरी हैगा। जिहड़ा पैसा तुसी इत्थों भेज दिओ बेशक वो तुहाडे पेरेंट्स दे बैंक विच जा रहे या उत्थों कैश चक रहे हैगे, इट डजंट मैटर एज फार एज यू गॉट द रसीट्स विद यू। ते तीजा मेन पॉइंट इस विच ए हैगा कि जी तुसी रेगुलरली इन टच विच हैगे हो, वो इन टच दा कित्थों पता लगदा है? फॉर एग्जाम्पल तुसी ये शो करो कि जी तुसी रेगुलर उन्हां नूं फोन कॉल्स कर रहे हो ते फोन कॉल दा रिकॉर्ड हैगा। फॉर एग्जाम्पल तुसी लाइका फोन करदे हो ते लाइका फोन दा फोन रिकॉर्ड निकल जांदा है, जे वट्सएप ते कर रहे हो वट्सएप दी चैट हिस्ट्री निकल जांदी है, कॉल हिस्ट्री नहीं निकलदी, बट एटलीस्ट दैट इज़ अ प्रूफ। ते अगर ये भी प्रूफ हैगा कि जी तुसी साल 6 महीने दे विच एक या दो बार तुसी चक्कर लगा रहे हो एंड यू आर इन रेगुलर टच। मैं फटाफट तुहानू एक्सप्लेन करांगा एक एक पॉइंट वंस अगेन बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला हैगा जी नो बडी इज़ देयर टू लुक आफ्टर दैम। इसका पहले पॉइंट का मतलब ये हैगा कि जी तुहाडे माता पिता उत्थे कल्ले रह रहे हैं। कल्ले दा की मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल वीज़े काफ़ी रिफ्यूज इस करके भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल तुहाडे जिहड़े माता पिता जिहड़े हैगे तुहाडा ब्रदर या सिस्टर उन्हां दे नाल उसी घर विच रह रहे हैं, फिर होम ऑफिसर ये कहिंदा हैगा कि जी तुहाडी सोल डिपेंडेंसी जिहड़ी हैगी है जिहड़े तुहाडे यूके दे विच लड़का या लड़की हैगे उस दे उत्ते नहीं हैगी, तो इस करके वह वीज़ा रिफ्यूज़ हुंदा हैगा। तो कई बार ये हुंदा है कि जे हुण सैकेंड पॉइंट की आपां गल करिए जो कि मनीग्राम या अपने पैसे की स्लिपा हैगी फाइनैशियल असिस्टेंस की जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी है, उस दे विच ये है कि जिहड़े तुसी पैसे भेज दिओ साल च एक या दो बार भेजे हैगे हैं, दैन आई बिलीव पर्सनली कि इट इज़ नॉट ए सफिशेंट प्रूफ कि जी तुहाडे पेरेंट्स तुहाडे ते फाइनैंशियल डिपेंडेंट भी हैगे हैं, विच इज़ वन ऑफ द मेन क्राइटीरिया। सैकेंड थर्ड क्राइटीरिया जिहड़ा हैगा फोन कॉल का हैगा, आई बिलीव पर्सनली वो अगर तुहाडे कोल घट डॉक्यूमेंट भी हैगे हैं दैन ऑलसो इट शुड बी ओके। तो बट अगर तुहाडे कोल फोन रिकॉर्ड्स हैगे हैं या फोन कॉल्स के रिकॉर्ड हैगे हैं दैन इट शुड बी वेरी गुड। तो सैकेंड जिहड़ा अपना रिक्वायरमेंट हैगी वो हैगी रिलेशनशिप दी। मोस्टली आप केसिस देखे हैंगे कि रिलेशनशिप बंदे प्रूव नहीं कर पाते, उसकी मैं एक एग्जाम्पल देना चाहवागा विच आई बिलीव पर्सनली काफ़ी लोगों को इस एग्जाम्पल तो फायदा होएगा। रिलेशनशिप शो किदा नहीं करके वीज़ा रिफ्यूज़ होंदा हैगा उसकी एग्जाम्पल मैं देन लग्या। फॉर एग्जाम्पल तुहाडा जिहड़ा बर्थ होया होया इट्स 1980 दे विच तुहाडा बर्थ होया, 1980 दे विच तुहाडा बर्थ होया, बट अगर इंडिया दे विच बर्थ होया उत्थे कोई खास रिक्वायरमेंट उस समय नहीं सीगी कि जी जब बच्चा दा जन्म हुंदा हैगा तुसीं इमीजिएटली उसका बर्थ रजिस्टर कराओ। इट वॉज़ नॉट ए लीगल रिक्वायरमेंट इन इंडिया कि जी तुहाडा रजिस्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसीक्वेंटली 20 या 25 साल के बाद तुसीं यूरोपियन कंट्री या सिटीजनशिप ले उस टाइम इसकी रिक्वायरमेंट पैंदी है,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਡੇਟ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਦ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2005। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ 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 ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਾਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਨ, ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਮ ਆਫਿਸਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਪਰੂਵ ਐਨੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਟੂ ਪਰੂਵ ਯੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਮ ਟੂ UK। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੋ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੀਸ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੋ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।